हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये आपके क्लास 11 का, जिसमें हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर 5 है। और लेसन नंबर 5 का जो नेम है वो है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस लेसन में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में रूट के बारे में बताया था, इसके साथ रीजन ऑफ रूट भी बताया था। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा हम लोग का मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। आज का जो हम लोग का टॉपिक सबसे पहले स्टडी करेंगे वो होगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। इसके बाद हम स्टडी करेंगे स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टडी करना स्टार्ट करें। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आता है यार कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या होता है। तो देखो, सिंपल में बताऊं तो आप मेन वर्क तो रूट का आप जानते हो, ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? बेस प्रोवाइड करता है। रूट का मेन वर्क आप जानते हो, और मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के स्टेम लीफ को प्रोवाइड भी कराता है। कौन आपका रूट? तो ये तो फंक्शन इसका है। इसके अदरवाइज रूट के क्या फंक्शन होते हैं, इसके अदरवाइज रूट क्या करता है, इसके अदरवाइज जो रूट करता है या उसको अदर वर्क करने के लिए जो उसके पास स्ट्रक्चर बनते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, और उस मॉडिफाइड फॉर्म को हम लोग किसमें स्टडी करते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्लियर हो रहा है बेटा? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का सेंस यही है, एक्सेप्ट द मेन वर्क ऑफ रूट, एक्सेप्ट द मेन वर्क ऑफ रूट, द अदर एसेसरी फंक्शन टेक्स प्लेस बाय रूट एंड बाय देयर मॉडिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्लियर हो रहा होगा? मॉडिफिकेशन क्लियर हो गया ना? मॉडिफाइड हो जाना। मॉडिफाइड करने का मतलब क्यों होना मॉडिफाइड भाई भाई? तो मॉडिफाइड इसलिए होते हैं, कुछ प्लांट में कुछ ऐसी नीड होती है, क्योंकि अगर वो मॉडिफाइड ना हो तो वो नीड कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए प्लांट में ऐसा हम देखते हैं। तो रूट में जो मॉडिफिकेशन होता है वो 3 फंक्शन मेनली के लिए होता है। फर्स्ट फंक्शन जो होता है बेटा वो होता है फॉर सपोर्ट। सेकंड फंक्शन जो होता है वो होता है फॉर रिस्पिरेशन, और थर्ड जो फंक्शन होता है वो होता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये 3 फंक्शन के लिए आपके प्लांट के रूट में मॉडिफिकेशन दिया गया है एनसीईआरटी में। तो चलिए उसको हम लोग स्टडी कर लें, जान लें। तो फर्स्ट होगा फॉर सपोर्ट। सपोर्ट के लिए, और सपोर्ट के लिए जो सबसे पहला होता है आपका प्रॉप रूट। और ये किसमें देखने को मिलता है बेटा? बनियान ट्री में। जो बनियान ट्री होते हैं आपने देखा होगा, लॉन्ग हेयर लाइक, लॉन्ग रोप लाइक, विथ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है जब आप देखे होंगे बनियान ट्री में। और वो किसके लिए होता है अगर आपसे कोई पूछे, आप अक्सर इमेजिन किए होंगे, देखे होंगे आप लोग अपने गांव में, तो वो किसके लिए है? अगर आज आपसे जब मैं बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा वो किसके लिए होता है, तो आप बता सकते हो ना? वो होता है आपके सपोर्ट के लिए। क्लियर हो गया? तो सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन है। इसके बाद और भी क्या होता है? तो एक और होता है बेटा, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट
और जो स्टिल्ट रूट होता है ये आपको देखने को मिलेगा मेज में, मेज में, और देखने को फिर इसमें मिलेगा मेज के साथ सुगर केन में, सुगर केन में, इन दोनों में स्टिल्ट रूट होता है। आपने देखा होगा स्लाइस, अगर हम डायग्राम से बात करें तो, डायग्राम बनाकर अगर बात करें तो हम बनियान ट्री का देखें तो ऐसा आपने देखा होगा हेयर स्पाइक स्ट्रक्चर, अक्सर आपने देखा होगा बेटा ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं ये आपको किसको शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है बेटा प्रॉप रूट को, ये आपको किसको शो कर रहा है प्रॉप रूट को। और स्टिल्ट रूट की बात करें तो आप देखे होंगे समझना बेटा, आपने देखा होगा आपने इस तरीके का रूट देखा होगा मेज, ये है स्टिल्ट रूट, ये आपको देखने को मिलेगा मेज मक्के में, और ये आपको देखने को मिलेगा बनियान ट्री। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया ऐसे सुगर केन में भी होता है, इसी टाइप का आपका रूट देखने को मिलता है। तो ये किसके लिए होते हैं, सपोर्ट के लिए होते हैं, ये बातें आप बताओगे ओके। तो इस तरीके से फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्लियर होता है। अब इसके बाद सेकंड जो मॉडिफिकेशन है वो हम लोग स्टडी करें, इरेजिस को कर दिया जाए। सेकेंड होगा वो अभी मैंने आपको बताया था फॉर इंस्पिरेशन, फॉर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के लिए, और इंस्पिरेशन के लिए जो रूट होता है वो होता है न्यूमैटोफोर्स, 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 और ये आपके फाउंड होता है मैंग्रोव प्लांट में, आपके बुक में दिया होगा मैंग्रोव प्लांट में। नेमेटोफोर्स जो स्ट्रक्चर होता है ये आपके इसमें फाउंड होता है मैंग्रोव प्लांट में। मैंग्रोव प्लांट क्या होते हैं, तो ये एक टाइप के प्लांट होते हैं जो कोस्टल एरिया में, सेलाइन वाटर एरिया, जो कोस्टल सेलाइन एरिया, कोस्टल एरिया में जो सेलाइन वाटर होता है उसके पास उसी में ये ग्रो करते हैं, या ब्रैकिश वाटर जहां पर आपके रिवर या जो रिवर और आपके सी जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं वहां जो एक वाटर एक्युमुलेट रहता है वहां पर भी इस टाइप के आपके प्लांट ग्रो करते हैं। तो मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं कोस्टल एरियाज में ग्रो करते हैं, सेलाइन वाटर में, सिलाइन वाटर वाला जो एरिया होता है जहां पर सिलाइन वाटर होता है, कोस्टल वाटर, सी वाटर, बात ये कर रहा हूं कोस्टल वाटर, जो कोस्टल एरिया जो होता है, सॉरी कोस्टल एरिया जो होता है वहां पर आपके ये ग्रो करते हैं सिलाइन वाटर। ओके अब क्लियर हो गया ना, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा था बेटा, तो अब क्लियर हो गया होगा कि नेमेटोफोर्स जो होते हैं देख सकते हैं दिस टाइप ऑफ प्लांट, लिख दे रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ प्लांट प्लांट ग्रो इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया इन सिलाइन वाटर, इन सिलाइन वाटर, क्लियर हो गया ना। तो मैंग्रोव प्लांट, तो उस प्लांट में आप देखोगे इन प्लांट्स में एक जो रूट होगा वो आपका, जैसे आपने बम्बू प्लांट देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे निकले होते हैं ना, बम्बू एक प्लांट का एक ऊपर स्ट्रक्चर होता है बम्बू प्लांट का, वैसे मैंग्रोव प्लांट में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये रूट जो होते हैं डाउनवर्ड थोड़े से होते हैं, और कुछ जो रूट का पोर्शन होता है वो अपवर्ड मॉडिफाइड होता है।
उसमें मेनी पोर्स होते हैं, उनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं और यही पोर्स जो होते हैं निमेटोफोर्स होते हैं और इस तरीके को हम निमेटोफोर बोलते हैं, ऐसे टाइप के रूट को निमेटोफोर बोलते हैं और इनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं और इस पोर के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज होता है और रिस्पिरेशन करते हैं। तो ये आपका हो गया फॉर रिस्पिरेशन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो होगा फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट जो होगा वो बेटा होगा फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हम लोग स्टडी कर लें। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड उसके लिए सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका फ्यूजी फॉर और ये आपको मिलेगा रेडिश में। रेडिश जो होता है आप समझ रहे हो मूली में आप देखते हो जो रूट हेयर्स निकले होते हैं, जो डाउनवर्ड पोर्शन होता है वो आपका कौन सा टाइप का रूट होता है तो आपको बताओगे वो आपका होता है फ्यूजी फॉर्म। आपने देखा होगा ऐसा, आपने अक्सर देखा होगा मूली में ऐसे स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा, थोड़ा सा ठीक होता है, मैंने ठीक नहीं बनाया है, तो ये फ्यूजी फॉर्म रूट आपको देखने को मिलेगा। ओके इसके बाद सेकंड जो होता है इसमें फ्यूजी फॉर्म रूट में जो अपवर्ड होता है ये थोड़ा सा थीम होता है, डाउनवर्ड थोड़ा सा ही थीम होता है, ये फ्यूजी फॉर्म के केस में है, ठीक ना। अब इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है आपका, अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताएंगे नेवी फॉर्म और नेवी फॉर्म जो होता है ये टर्निक में मिलता है, टर्निक में। और टर्निक में आप देखे होंगे टर्निक जो होता है उसमें आपका मोस्टली जो देखने को मिलेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा टर्निक में, तो जिसमें मोर पोर्शन जो होता है इसके कंपेरिजन में और मोर पोर्शन जो होता है सोलिड होता है थोड़ा सा जस्ट लाइक रूट निकले होते हैं, तो इस टाइप का जो रूट होता है वो नेवी फॉर्म और किसमें देखने को मिलता है टर्निक में। इसके बाद एक लास्ट बच गया है जो आपने दिया है कोनिकल और ये आपको देखने को मिलता है कैरेट में, ये आपको किसमें देखने को मिलेगा कैरेट। कैरेट में क्या होता है आप देखोगे इस तरीके का, मतलब ये पोर्शन थोड़ा सा ही ब्रॉड होगा इसके कंपेरिजन में और कोनिकल स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो, तो वैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इन कैरेट में। तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये किसके लिए है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट के लिए एक था और एक था आपके रिस्पिरेशन के लिए। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टडी करेंगे स्टेम के बारे में, तो चलिए हम लोग स्टेम के बारे में डिस्कस करें। स्टेम तो स्टेम के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, व्हाट इज स्टेम। तो जैसे आपने स्टडी किया था बेटा मुझसे तो रूट में आपको क्या बताया था, रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो वैसे अगर स्टेम अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे, स्टेम इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। देख लो फर्स्टली इट इज द एरियल पार्ट ऑफ द एफ प्लांट्स, मतलब हो जाएगा फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका एरियल पार्ट होता है आपका क्या स्टेम। और इसके साथ ये भी आप लिखोगे आपको याद होगा रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, तो ये किससे तो बताओगे इट इज डेवलप फ्रॉम प्लीनियम, आपको बताया गया है। तो ये किससे डेवलप होता है
प्लीम्यूस है, स्टेम जो होता है ये एरियल पार्ट होता है इसका, प्लांट का मतलब ये सॉइल में नहीं होता है, सॉइल से अपवर्ड होता है, ये आप बातें बताओगे। इसके साथ ये भी बताओगे इट इज डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूस, जो सीड का जर्मिनेशन होता है तो दो पार्ट बनता है, एक रेडिकल होता है, प्लीम्यूल होता है, तो रेडिकल से डेवलप होता है रूट और प्लीम्यूल से डेवलप होता है आपका स्टेम, तो यही मैंने लिखा है इट डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल, क्लियर हो गया। इसके बाद आप बता सकते हो ये तो क्लियर हो गया क्या आपका, इसके बाद बताओगे इट बियर्स या इट कंटेन नोड्स एंड इंटरनोड्स, और इसके पास जो स्टेम होता है उसमें नोड और इंटरनोड्स होते हैं। जस्ट लाइक एक डायग्राम से अगर समझा रहे तो अक्सर आपने ये देखा होगा इन केस आप शुगर के, तो ये जो पोर्शन है जहां पर बड वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये है बेटा नोड, और टू नोड के बिटवीन में जो स्पेस जो पार्ट होता है वो आपका होता है इंटर नोड, तो ये स्ट्रक्चर आपके स्टेम में देखने को मिलता है, ये है नोड और इंटर नोड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात ये क्लियरली समझ में आ गई। इसके साथ साथ जो स्टेम होता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, ये नेचर जरूर आप लिखेगा। कंफर्म हो रहा है बेटा, आप क्या लिखोगे, स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, इट इज आल्सो कैरेक्टर ऑफ स्टेम, तो ये सभी बातें आप बता सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेसन का अभी तक जितना भी मैंने बताया वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद आपको पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।